साथियों, देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल में एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म डिफेंस एयर स्पेस को सिविल यूज के लिए खोलने से जुड़ा हुआ है। इस फैसले से बहुत सारे एयर रूट पर हवाई यात्रा की दूरी कम हुई है, समय कम हुआ है। भारत के युवाओं को यही बेहतर ट्रेनिंग मिले, इसके लिए देश के 5 एयरपोर्ट्स में 8 नई फ्लाइंग एकेडमी स्थापित करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट के उपयोग से जुड़े नियमों को भी सरल किया गया है। भारत द्वारा हाल में बनाई गई ड्रोन नीति भी देश में कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के डिफेंस तक जीवन को बदलने वाली है। ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ा ट्रेन मैनपावर तैयार करने के लिए अब भारत में पूरा एक इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। ये सारी योजना, सारी नीतियां तेजी से आगे बढ़े, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हाल ही में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी लॉन्च किया गया है। इससे गवर्नेंस में तो सुधार आएगा ही, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की क्षमता बढ़ाएं। भारत में हो रहे इन निरंतर रिफॉर्म्स का ही परिणाम है कि भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर में 1000 नए विमान जुड़ने का अनुमान लगाया गया है।